शपथ आपने ली थी, अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। अब 4,200 धर्म है इस दुनिया में, लेकिन तुम जैसों ने एक नए धर्म को जन्म दिया है, करप्शन। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 होगी सुपर फ्लॉप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, जॉन अब्राहम की दमदार फिल्म सत्यमेव जयते 2 को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। महामारी के कारण लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 25 नवंबर 2021 को सिनेमाघरों में। जब से इसकी रिलीज डेट और ट्रेलर का ऐलान हुआ है, लगातार हर जगह यही खबर चल रही है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर को लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, लोगों को इतना खास पसंद नहीं आया। और इस बीच एक फिल्म क्रिटिक है, उन्होंने तो सुपर फ्लॉप ही घोषित कर दिया है फिल्म रिलीज होने से पहले, और वो है हमारे वन एंड ओनली KRK, जो कि अपनी जो बातें रखते हैं वो इतने बेबाक तरीके से रखते हैं कि कई बार खुद ही फंस जाते हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म को उन्होंने पूरी तरह से सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सलमान खान की अंतिम के साथ टकराव देखने को मिलेगा। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म रिलीज होगी। सत्यमेव जयते की बात करें तो ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी, और ऐसा कहा गया था कि जॉन अब्राहम की ये बेस्ट एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में उनके साथ मनोज बाजपेयी भी नजर आए थे, जिनके अभिनय की बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी। KRK को लेकर मशहूर है कि वो किसी फिल्म को लेकर अपना रिव्यू काफी अलग अंदाज में देते हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए मुसीबत का कारण भी बन जाती है। फिलहाल सत्यमेव जयते 2 फ्लॉप होगी या हिट, ये तो ऑडियंस ही बताएगी, और KRK की जो ये बात है वो सच निकलती है झूठी तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।